हेलो शाहरुख भाई, कपिल कपिल दिस साइड। कौन कपिल यार? भाई कपिल शर्मा जिसका शो आता ना, द कपिल शर्मा शो। कौन कपिल शर्मा यार? सोनी टीवी पे 9 से 10:30 कॉमेडी कर। कौन सोनी टीवी, कौन कॉमेडी, कौन कॉमेडियन यार? आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल व्यस्त है। अच्छा, और शाहरुख खान अपनी पिक्चर के रिलीज के एक हफ्ते पहले। हेलो कपिल बाजी, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ। मैंने फोन उठाया नहीं अभी। कौन शाहरुख? अरे शाहरुख वही यार, एक्टर। कौन एक्टर? अरे यार जिसकी मूवी आ रही है ना नेक्स्ट वीक। हर हफ्ते बहुत लोगों की आती है, काफी लोग आते हैं। कौन सी मूवी? अरे यार वही बोला ना यार, शाहरुख। उसी जिस नंबर से फोन कर रहे हो वो हल्ले बंद है, मालिक मर गया है, सारी उम्र फोन नहीं करना। होती मुझे अगर मौका मिलता कोई एक्टर के साथ चर्चे में आने का, वो विक्कू सर होते। चर्चा ये होती कि आप और मैं मरीन लाइन पे टाइटैनिक पोज देते। राहत नहीं आपको मैं सीन देता हूँ, एक आप खड़े हो जाइए यहाँ पे। टाइटैनिक मैं पीछे सिचुएशन बोलता रहूं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा। आपको एक्सप्रेशन देने हैं। अभी इंजॉय हो रहा है, गाना चल रहा है, जहाज का कैप्टन आया, उसने बोला सामने बर्फ का टीला, हम टकराने वाले हैं। कैप्टन ने कहा नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था। कैप्टन ने कहा नहीं नहीं मुझे गलत फहमी हुई, सच्ची में बर्फ का टीला आ रहा है। मैंने आपकी दो जफिया डलवा दी, 150 रुपया आपका। मुझे ये कहना था मैं भी थोड़ा रिस्की हूँ। आपको अगर मालूम नहीं रहेगा तो मैं ट्रेन में ना बिना टिकट भी चले जाता हूँ। अच्छा वो छोड़ो, मैं तो है ना बाइक भी चलाता हूँ ना हाथ छोड़ के चलाता हूँ। तो फिर पागल हुए ना। रिस्की कहाँ से हुए? मतलब आप अगर बोलेंगे ना तो मैं झाड़ पे भी चढ़ जाऊँ। क्यों आपको झाड़ पे चढ़ाएंगे? उनको रिस्की वॉइस पसंद है ना। हाँ तो क्या थे? मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार, एक बार रशियन एक्सेंट में। डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। So my name is Crime Master Gogo and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. Crime Master Gogo is my name. I will snatch your eyes and play Russian. So Crime Master Gogo is my name and I remove you the marble. आप पहली बार सेट पे मिले थे कि पहले से जानते थे आप एक दूसरे को? जानते थे। इतने दुखी क्यों? ये ना मैंने इसका इंटरव्यू देखे, मैं फालतू बकवास लगा, ऐसे मिले भी नहीं थे, ऐसे बोल रहा था। तो पहली बार हम लोग मिले थे ये ना आई थिंक वेकअप सिटी शूट कर रहा था और मैं अपनी पहली फिल्म रमन बनानी जोड़ी का शूटिंग करी थी और हम लोग थे यशराज स्टूडियोज में और ये जिम कर रहा था। अच्छा। और मैं अंदर आई, मैं इसको देखा वर्कआउट करते हुए, इसने कुछ और स्टोरी बताई। मैंने आपको इंटरव्यू देखा इसका कि मैंने बोला ओह सॉरी आई कम बैक, क्यों बोलूंगी मैं कम बैक, मैं वर्कआउट करूंगी अगर मैं वहाँ पे आई थी तो। ये बोल रहा है इसके वर्जन में, मैंने आके बोला ओह सॉरी आई कम बैक, इसका नो 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 प्लीज वर्कआउट। मेरी कहानी में कुछ भी बोलूंगा। तो मैं अंदर आई, मैंने उसको देखा, मेरे को देखा, हाय बोला हाय, मैंने वर्कआउट किया, मुझे याद होता अगर तू मेरे सामने वर्कआउट करती।